तारीफें और परफ्यूम्स, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की जो लिस्ट है ये आपके कमेंट की वजह से है। आपने काफ़ी बार मुझे कॉम्प्लीमेंट्स वाली एक लिस्ट बनाने के लिए कहा, तो ये पहली बार होगा जब मैं कॉम्प्लीमेंट्स के ऊपर बात करूँगा। वैसे मेरा पर्सनल ये मानना है कि कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ़ें बड़ी जो हैं ये पर्सनल एक चीज़ होती हैं। देखिए, कोलोन या परफ्यूम बहुत ही पर्सनल एक ऐसा है कि अगर आपको खुशी मिल रही है तो लगाएं। और ये भी जितने भी मेंशंस हैं, मैं जो भी इस लिस्ट में परफ्यूम के नाम लेने वाला हूँ, आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि अगर मुझे कभी कोई कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो आपको भी मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर दिल करे तो कभी आप लगा सकते हैं, कभी उनका डी कैंड खरीद लें, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो लिस्ट है ये बहुत ही पर्सनल है, मैं आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ। ये जो लेखा जोखा है मेरा, ये 2019 और 2020 का मिला जुला करके मैं डाल रहा हूँ। और तारीफ़ों में मैं कहूँ तो अगर किसी ने मुझे एकदम अपफ्रंट आके तारीफ़ की कि बहुत अच्छा कुछ खुशबू उनको बहुत अच्छा लग रहा है, परफ्यूम मैंने कोई लगाया है वो उसको मैंने कंसीडर किया है, या फिर अगर किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने क्या लगाया है, तो वो भी एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट ही है क्योंकि वो जानना चाहते हैं मैंने क्या लगाया। बहुत से ऐसे भी थे जो मुझे फुटकर में कभी इधर उधर कुछ तारीफ़ें मिली, उनको मैंने ठंडे बस्ते में डाल दिया क्योंकि मुझे लगा कि 10 के ही बारे में बात करते हैं। और ये इस साल की लिस्ट है, तो मे बी अगले साल अंत में दिसंबर में शायद एक और लिस्ट बनाऊं और हो सकता है उसमें परफ्यूम्स के नाम बदल जाएं। अगर परफ्यूम ज्ञान का ये काम आप पहली बार देख रहे हैं, आपको काम पसंद आए तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। अगर ना पसंद आए तो वैसे मैंने और भी वीडियोज़ बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं, क्या पता कुछ काम का निकला है। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो YouTube थोड़ा इसको रिकमेंड करेगा, ये काम और लोगों तक पहुंचेगा, मुझे भी बड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए, अब ज़्यादा नहीं टाइम स्पेंड करेंगे, जल्दी जल्दी से इन परफ्यूम्स के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। तो नंबर 10 पे है अजारो का वांटेड बाय नाइट। इसका एक्चुअली वांटेड भी अच्छा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा ज़्यादा तारीफ़ें मिल जाती हैं। ये एक स्वीट बबलगमी थोड़ा और स्पाइसी दालचीनी सिनेमन का एक अच्छा सा ब्लेंड है इसमें, मुझे अच्छा लगता है। ये इवनिंग टाइम के लिए, क्लबिंग के लिए, अगर फैमिली गैदरिंग है, शादी में आप इंजॉय करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे लोग पूछें कि आपने क्या लगाया है, या फिर आपको तारीफ भी मिल सकती है। मुझसे एक दो बार इस पूछा गया है कि मैंने क्या लगाया है, तो तब महसूस होता है कि अच्छा, लोगों को महसूस मतलब पता चल रहा है कि मैंने कोई एक ऐसा कलोन लगाया है। वैसे ये कहना चाहता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो इसको थोड़ा सा वहाँ पे एक अच्छा बोनस मिल जाता है, क्योंकि 6 से 7 घंटे मुझे इजीली लॉन्जिविटी मिलती है स्किन पे। कपड़े पे स्प्रे करेंगे तो आराम से 24 घंटे रहता है ये। इसका प्रोजेक्शन अच्छा है, प्रोजेक्शन मैं कहूँगा कि 2.5-3 फीट का प्रोजेक्शन है, शुरुआत के 2.5-3 घंटे तक चला जाता है, तो एक अच्छा सा सियाज कैरी करेंगे। और ये मेरे पास 50 ml है इसका, मेरे पास वांटेड भी है, वो थोड़ा और स्वीट है, उसमें स्पाइसीनेस कम है, लेकिन इससे मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिले हैं। तो नंबर 10 पे अजारो वांटेड बाय नाइट। नंबर 9 पे है बुल्गारी का एक्वा अमारा। इससे भी मुझे कई बार मतलब कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। बढ़िया परफ्यूम है ये, एक अक्वाटिक मरीन टाइप है इसका डीएनए है, लेकिन उसमें एक संतरा टाइप सिट्रस है, मैंडरिन ऑरेंज का एक बहुत अच्छा ब्लेंड है। और इसकी परफॉर्मेंस अगेन बहुत अच्छी है, मुझे 6-7 लगभग 8 घंटे तक मुझे स्किन पे लॉन्जिविटी मिलती है इससे, कपड़े पे पूरा दिन रहता है। और मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ, इसका प्रोजेक्शन बहुत अच्छा है, एक सिट्रस परफ्यूम के लिए इसका प्रोजेक्शन मुझे लगभग 2.5-3.5 घंटे तक, और मैं कह रहा हूँ एक अच्छा प्रोजेक्शन, मतलब मुझे ऐसा महसूस होता है जब भी मैंने इसको लगाया है, मैं इसको 4-5 स्प्रे लगाता हूँ और ये पता महसूस कराएगा, मतलब आपके आसपास जो भी होंगे लोग उन्हें पता चलेगा कि आपने कोई सिट्रस अच्छा परफ्यूम लगाया है। तो मुझे बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने पूछा है कि मैंने क्या लगाया है। तो नंबर 9 पे एक्वा अमारा बल्गारी की तरफ से। नंबर 8 पे जो परफ्यूम है उससे 2016-2017 में मैंने इसको काफ़ी इस्तेमाल किया था, लेकिन अभी भी मुझे तारीफ़ें मिलती हैं। इसका नाम है डियोर सवाज। अच्छा खासा डीएनए, एक सिट्रसी बर्गमॉ टाइप और
काली मिर्च का ब्लेंड है बढ़िया। ये एक ब्लू परफ्यूम है और मैं क्या कहूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है इसे। देखिए मेरे पास अभी ये EDT है, मैंने इसका EDP और परफ्यूम भी इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है EDT अपने में एक ओरिजिनल ब्लेंड है, अच्छा लगता है। देखिए ये थोड़ा जेनेरिक ही स्मेल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे लोग तारीफ नहीं मतलब देते, आप इसको लगाएंगे तो लोग नोटिस करेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस है डियोर सवाज की, हमेशा से परफॉर्मेंस अच्छी रही है। मुझे करीब 6-7 घंटे तक लॉन्जिविटी स्किन पे मिलती है और प्रोजेक्शन अच्छा मिलता है। EDD से मुझे अच्छा खासा प्रोजेक्शन मिलता है, मैं कहूँ तो 2.5 से 3, 3.5 घंटे तक पुश करता है। मैं इसको 1-2 स्प्रे कपड़े पे भी लगा लेता हूँ ताकि और लॉन्जिविटी थोड़ी मिले, लेकिन बढ़िया एक सोफेस्टिकेटेड स्मेल है। आप चाहें तो इसको आप ऑफिस में भी लगा सकते हैं क्योंकि डेली यूज़ के लिए एक अच्छा परफ्यूम है। तो नंबर 8 पे डियोर सवाज। नंबर 7 पे बड़ा ही पॉपुलर परफ्यूम है, ये है ईव सेलोरा का ला नुई द लोम। इसको मैंने 2014 में इसका पहला बॉटल खरीदा था, ये मेरा दूसरा बॉटल है। काफ़ी लगाया है, 2014-15-16 में भी लगाया है, सवाज के साथ लगाता था मैं इसको। पाउडरी परफ्यूम है ये इसमें इलायची का लैवेंडर के साथ एक बहुत अच्छा ब्लेंड है, लेकिन समझिए अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया आज तक तो ये जानिए कि एक इसका ड्राई डाउन काफ़ी पाउडरी, एक बेबी टैल्कम पाउडर टाइप है। ये बहुत हाइप्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही हाइप्ड है। अच्छा परफ्यूम है लेकिन समझें ऐसा नहीं है कि ये सबको ही पसंद आएगा। एक बहुत सॉफ्ट और ये थोड़ा ऑन द फेंस टाइप है, वैसा है कि इसको एक फ़ीमेल भी कैरी कर सकती हैं और मेल भी के लिए तो है ही है ये परफ्यूम। तो अच्छा है, एक सेडक्शन है इलायची के खुशबू की वजह से। इसको डेट पे आप लगाएंगे, इनवाइटिंग है काफ़ी, एक हल्का सा वार्म है लेकिन इनवाइटिंग है। ठंडी में इंजॉय करेंगे, अगर आप अपने इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी ठंडी होती है तो वहाँ पे वैसे वेदर में अच्छा इंजॉय करेंगे इसको आप। इसका मुझे लॉन्जिविटी अच्छी मिलती है, करीब 6-7 घंटे मिल जाती है स्किन पे और प्रोजेक्शन डिसेंट है। मैं 2-2.5-3 घंटे, डिपेंड करता है कैसा वेदर है उस हिसाब से मिल जाता है। मुझे याद है कि इससे लोगों ने पूछा भी है। वैसे इसका मैं परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा हूँ YSL का, इसके और भी फ्लैंकर्स हैं मेरे पास, इस साल ही ख़रीदा उसको क्योंकि इसी साल आया था। देखते हैं आगे चल के, अगर उससे मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो आगे चल के हो सकता है कि वो लिस्ट में आए, लेकिन अभी फ़िलहाल तो नंबर 7 पे ईव सेलोरा का ला नुई द लोम। नंबर 6 पे काफ़ी लोगों का पसंदीदा रसासी का हवास, एक बबल गमी स्वीटनेस, एम्बरग्रीस का एक अक्वाटिक स्वीटनेस है इसका। वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया है तो देख सकते हैं। देखिए अगर आपको स्वीट मीठे परफ्यूम नहीं पसंद है तो इसको आप ब्लाइंड बाय ना करिएगा। वैसे कोई भी परफ्यूम ब्लाइंड बाय ना करिए, जाने समझें, छोटा सैंपल खरीदें, डीकैन खरीदें, तभी पूरी बॉटल खरीदें। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास पाखुरबान का इन्वेक्टस अक्वा इंटेंस भी है, लेकिन फॉर सम रीज़न इसकी ज़्यादा पूछ होती है क्योंकि इसका जो ब्लेंड है काफ़ी अच्छा लग, मुझे भी अच्छा लगता है लगाना और मेरे ख्याल से जो सराउंडिंग में लोग होते हैं उन्हें भी पसंद आया है। आज तक लोगों ने पूछा है मैंने क्या लगाया या फिर तारीफ़ें भी मिली हैं। इसका जो है अच्छा परफॉर्मेंस है, मैं कह रहा हूँ 7-8 घंटे लॉन्जिविटी स्किन पे, और मैं प्रोजेक्शन की बात करूँ तो एक अच्छा प्रोजेक्शन। अगेन हम 2-3 घंटे एवरेज प्रोजेक्शन इससे मिलता है, लेकिन अगर थोड़ा सा एसी वाला एनवायरनमेंट ऐसा है तो 4 घंटे भी जाता है। कपड़े पे 1-2 स्प्रे कर लेंगे तो और अच्छा बेटर है। परफॉर्मेंस के मामले में ये हवास अच्छा परफ्यूम है, इवन किफ़ायती है, मुझे लगता है बहुत महंगा नहीं है तो कंसीडर किया जा सकता है। तो नंबर 6 पे रसासी का हवा। नंबर 5 पे जो परफ्यूम है इसे पसंद किया जा सकता है या ना पसंद किया जा सकता है, लेकिन इग्नोर नहीं किया जा सकता, ये है ईव सेलोरा का अगेन वाई परफ्यूम। ये परफ्यूम, इससे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं 10 घंटे की लॉन्जिविटी की बात कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ अगर इसको आप कपड़े पे 1-2 स्प्रे कर लेंगे पूरा स्प्रे तो ये 24 घंटा रहता है, और मुझे 4 घंटे ऑन एन एवरेज इससे प्रोजेक्शन मिलता है, और वैसा प्रोजेक्शन दूर तक लोगों को पता चलता है। अब खुशबू की बात करें तो ये इसका भी वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया तो आप देख सकते हैं। खुशबू ये एग्जैक्टली ब्लू परफ्यूम की तरह नहीं है, मतलब बॉर्डर लाइन ब्लू परफ्यूम है, ये एक फ्लोरल ब्लू परफ्यूम है। इसमें सेज का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, ये स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है, और ऐसा है कि अगेन इसको एक फ़ीमेल भी कैरी कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंट हैं, और मेल के लिए तो बना ही है तो चाहे तो लगा सकते हैं, डेली यूज़ भी किया जा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद आए। ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरल लेकिन
ब्लू कैटेगरी का परफ्यूम है। तो नंबर 5 पे YSL का Y परफ्यूम। नंबर 4 पे जो परफ्यूम है, मुझे पता है उसको देख के आपको ताज्जुब नहीं होगा, ये है अरमाफ का क्लब द नुई इंटेंस मैन। इसका भी वैसे मैंने पूरा रिव्यू बनाया है, तो आप देख सकते हैं। ये क्लोन है क्रीड के बड़े महंगे अवेंटस परफ्यूम का। मैंने इस्तेमाल किया है, कलोन भी इस्तेमाल किया एक बार स्प्रे करके, एक मेरे फ्रेंड है उनके पास कलोन है अवेंटस का, और मैंने ओरिजिनल भी इस्तेमाल किया है। ये काफ़ी अच्छा है मैं कहूँ। देखिए क्लोन के मामले में एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा क्लोन है, लेकिन एक डिसेंट अप्रोच है अरमाफ की तरफ से। बात ये भी है कि ये उनका सबसे सक्सेसफुल आज तक का परफ्यूम है, सबसे ज़्यादा बिकने वाला परफ्यूम है, और दाम के हिसाब से एक पैसा वसूल परफ्यूम है। इसमें एक सिट्रसी पाइनएप्पल, जूसी स्मोकी पाइनएप्पल का इसमें खुशबू है। इसमें एक मिस्टीरियसनेस है, लेकिन बड़ा ही जेंटलमैन खुशबू है। इवनिंग टाइम ऑफिस में आप इसको लगा सकते हैं। इससे मुझे ऑफिस में काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मतलब अक्सर ऐसा होता था कि लोग पूछ लेते हैं कि मैंने क्या लगाया है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस लिस्ट में इस जगह पे ये बनता है। इससे लॉन्जिविटी भी अच्छी मिल जाती है मुझे। मुझे मिलती है 5 से 7 घंटे के बीच में, ऐसा मिलता है। वो डिपेंड करता है, अगर एसी वाला एनवायरनमेंट है तो थोड़ा अच्छा मिल जाता है। इससे प्रोजेक्शन डिसेंट है, मैं कह रहा हूँ 2-2.5 घंटे का प्रोजेक्शन मिलता है। कपड़े पे भी स्प्रे कर लेंगे तो और थोड़ा बेटर ही हो जाएगा। तो जाने, लेकिन एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ कि इसके कमेंट्स में मुझे बहुत बार आता है कि आपने ख़रीदा, आपको डुप्लीकेट मिला या फिर फेक मिला, तो इसके ऑथेंटिक सेलर से ही ख़रीदें, सर्टिफाइड सेलर से और श्योर सेलर से ही ख़रीदें। तो चलिए नंबर 4 पे अरमाफ का क्लब द नुई इंटेंस मैन। अब आ गए हम नंबर 3 पे, और नंबर 3 पे है डनहिल का डिज़ायर रेड। ये बहुत महंगा परफ्यूम नहीं है, ये मैंने, मुझे पता है कि शायद $35 और $36 का ही ख़रीदा था, लेकिन इसने मुझे सरप्राइज़ किया था जब मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मुझे तारीफ़ें भी मिलती थी, अक्सर ऐसा लोग पूछ लेते थे कि क्या लगाया है। इससे मुझे ईज़ली 6 से 7 घंटे लॉन्जिविटी मिल जाती है, और प्रोजेक्शन इसका अच्छा है। एक देखिए इसकी खुशबू की अगर मैं पहले कहूँ तो एक सिट्रसी है, लेकिन पाउडरी हल्का स्पाइसी, एक बहुत ही अच्छा ब्लेंड है। देखिए मैं ये कहूँगा कि अगेन खुशबू सब्जेक्टिव होता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे अच्छे खुशबू वाला कलोन है या परफ्यूम है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इससे फॉर सम रीज़न लोग बड़े क्यूरियस हो जाते हैं कि मैंने क्या लगाया है। इसका वैसे मैं पूरा रिव्यू बनाऊंगा आगे चल के। एक ये मस्कुलिन थोड़ा ऐसा है कि इवनिंग टाइम और क्लबिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये सिट्रसी है लेकिन अक्वाटिक नहीं है, ये एक स्पाइसी सिट्रसी फ्रेश टाइप परफ्यूम है। इसका प्रोजेक्शन अब बोलूँ तो मुझे 2 से 2.5-3 घंटे तक प्रोजेक्शन मिल जाता है। मैं इसको कपड़े पर स्प्रे करना ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। मैं 2 स्प्रे कपड़े पर और लगभग 2 से 3 स्प्रे स्किन पर या नेक पे, तो उससे मुझे एक अच्छा मतलब परफॉर्मेंस मिल जाता है। मुझे पता है कि ये बाहर की कंट्रीज़ में सस्ता मिलता है और अवेलेबल भी है, लेकिन इंडिया में उतना हर जगह नहीं बिक रहा है, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, जगुआर का क्लासिक गोल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिमिलर ही इसकी खुशबू है, बस ये है कि इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी हल्की है इससे, लेकिन अगर आप कुछ वैसा ही चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। इसका आगे चल के मैं पूरा रिव्यू बनाऊँगा वैसे। तो नंबर 3 पे है डनहिल का डिज़ायर रेड। नंबर 2 पे है वर्साचे का ईरोस। जब मैं इसे ख़रीद रहा था मुझे लगा था कि शायद ये एक रिडंडेंट बाय होगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी वर्साचे का ईरोस था, लेकिन ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इसमें जो है एक मिंटी फ्रेशनेस है, और इसमें मैंड्रिन ऑरेंज का, इसमें संतरे की फ्रेशनेस है, सिट्रसीनेस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको पर्सनली ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ, इवन परफॉर्मेंस भी अच्छी है। सेम DNA है, मस्की और इन योर फेस टाइप है, थोड़ा इवनिंग क्लबिंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। इवन मुझे ऐसा लगता है कि इसको ऑफिस में भी लगाया जा सकता है, बहुत ज़्यादा स्प्रे नहीं लेकिन कम स्प्रे के साथ लगा सकते हैं। इससे मुझे ऐसा लगा कि लोगों ने पूछा कि मैंने क्या लगाया है। अच्छा ब्लेंड, अच्छी परफॉर्मेंस, आराम से मुझे इससे मिल जाता है 7 से 8 घंटे, मैं कहूँ लॉन्जिविटी स्किन पे, और प्रोजेक्शन 2-2.5-3 घंटे के बीच में, अगर थोड़ा एसी वाला कन्फाइंड ऐसा एक आपका एनवायरनमेंट है तो और अच्छा प्रोजेक्शन मिलता है। तो प्रोजेक्शन के मामले में भी स्ट्रॉन्ग है। मैं कहूँगा कि दोनों सिमिलर हैं, लेकिन मैं पर्सनली इसको ज़्यादा इन्जॉय करता हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कि अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपको कैसा लगता है। तो नंबर 2 पे
वर्साचे का ईरोस फ्लेम। आगे नंबर एक पे हम, नंबर एक पे है डियोर ओम। ये 2020 का ब्लेंड है। मैंने इससे पहले वाला भी इस्तेमाल किया है, उससे भी तारीफ़ें मिलती हैं, लेकिन क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो गया तो इसके बारे में बात करेंगे। इसका ब्लेंड अच्छा है, एक जेंटलमैन सोफिस्टिकेटेड। मुझे ऐसा लगता है कि अगेन एक इनवाइटिंग थोड़ा सेडक्शन भी है इसमें। लिपस्टिकी वाइब मिलता है, लेकिन ये इवन डियोर ओम जो स्पोर्ट्स आता है ये काफ़ी कुछ उसी का डीएनए है, लेकिन मैं कहूँगा कि और अपनी ओरिजिनल के तरह होना चाहता है, लेकिन थोड़ा नयापन है इसमें। मुझे इसका ब्लेंड पसंद है। ऑनलाइन इसको उतना प्यार नहीं मिलता क्योंकि लोगों ने ये सोचा कि डियोर ओम के ही नाम से क्यों कंपनी ने इसको बनाया, क्योंकि सेम डीएनए नहीं है। और ऐसा होता है कि जब वो रीफॉर्मुलेट करते हैं तो कुछ कभी नोट्स इधर उधर होते हैं, तो उसकी वजह से खुशबू बदल जाती है। इसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। और इवन इसको जब मैं लगाता हूँ तो लोग मतलब पूछते हैं, और एक दो बार कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले हैं मुझे इससे। अच्छा, एक इन्वाइटिंग सा, एक सेडक्टिव सा एक ब्लेंड है, तो इसको आप मुझे लगता है एंजॉय करेंगे। अगर चाहें तो इसका छोटा कभी टेस्ट है, या फिर कभी रिटेल शॉप पे जाके स्प्रे करके देखें कैसा लगता है आपको। ये अगेन एक मस्कुलिन है, लेकिन इसको एक फीमेल भी कैरी कर सकती हैं। इवनिंग टाइम और थोड़ा पार्टी, ऐसा एक इनवाइटिंग सा परफ्यूम है। डेट के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये। तो अब हम मैं बात करूँ लॉन्जिविटी की, इससे मुझे डिसेंट लॉन्जिविटी मिल जाती है। बहुत अच्छा नहीं परफॉर्मर है, लेकिन मुझे 5 से 6 घंटे तक स्किन पे मुझे मिल जाता है लॉन्जिविटी। और प्रोजेक्शन ठीक है, मतलब मैं कहूँ तो 1.5 से 2.5 घंटे के बीच का प्रोजेक्शन है। परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम अबव एवरेज कहूँगा, पुअर परफॉर्मर नहीं है। और जिस तरीके का ब्लेंड है वो लोगों को पता चलता है कि आपने कुछ एक अच्छा ब्लेंड लगाया है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए नंबर एक पे डियोर ओम 2020 बैच। आशा करता हूँ ये लिस्ट आपकी मदद करे। वैसे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा वो परफ्यूम है जिससे आपको सबसे ज़्यादा तारीफ़ें मिलती हैं। बड़ा क्यूरियस हूँ जानने के लिए। आशा करता हूँ कि 2021 सबके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।